नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। आज सोमवार है और आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से जनता दरबार फिर से शुरू किया गया, जिसमें महीने के 3 सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं। बिहार के अलग अलग ज़िलों से तमाम फरियादी आते हैं अपनी फरियाद सुनने को लेकर के, और अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जनता दरबार में पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र अभ्यर्थी नज़र आ रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर पहुँचे। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर किस चीज़ के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या इन लोगों का मांग है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, वह जनता दरबार में पहुँचे आप? जी, जनता दरबार में किनसे मिले हैं? जी, हम लोग जी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। जी, हम लोग का जो है पैनल बना हुआ था, हम लोग का अनियोजित कार्यपालक सहायक है और हम लोग 3 साल से अपना पैनल बन चुका है हम लोग का, और 3 साल से हम लोग लगातार नियोजन के लिए दौड़ रहे सर। हम लोग का जो है आधे लोगों का नियोजन हो चुका है और आधे लोगों का नियोजन अभी तक नहीं किया गया है, तो हम लोग अपने नियोजन की आस में हर साल 3 साल से लगातार यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, और कुछ ही महीनों में हम लोग का पैनल की वैधता खत्म हो जाएगी। क्या आज आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया। जी, हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन हम लोग का नंबर नहीं आ रहा है। 3 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम लोग का नंबर नहीं आ पा रहा है, हम लोग बहुत निराश हैं सर। क्या ये लोग क्या कहा जा रहे हैं यहाँ पे? आश्वासन सिर्फ देते हैं, आश्वासन लगातार मिल रहा है और कुछ होता नहीं है। आगे क्या करेंगे अब समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। मंत्री के दिशा निर्देश के बावजूद भी हम लोग का नियोजन अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। कहूँ ना कहूँ संलिप्तता पाया जा रहा बेल्ट्रोन और सामान्य प्रशासन विभाग में। अभी इसी में आप लोग अभी नहीं लोग देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि आपसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आप कहना क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जनता दरबार में इससे पहले हम लोग के जो अभ्यर्थी मिले हैं वो हाईलाइट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही पैनल पर चयन का 3 मापदंड कैसे हो सकता है, और नियोजित कार्यपालक सहायक के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग ने कई स्तर पर बातचीत की, अभी हम लोग बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं, वहाँ मंत्री सम्राट चौधरी जी का सहयोग। मतलब मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें आप लोगों की खत्म हो गई, तो अब सम्राट चौधरी के पास पहुँचे? हाँ, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें खत्म हो गई, सम्राट चौधरी क्या करेंगे, उनके ही कैबिनेट में मंत्री है। जब मुख्यमंत्री ही निर्देश नहीं सुन रहे तो क्या ये खानापूर्ति हो रहा है? अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग एक स्तर पर जा रहे हैं उनको बात सुनाने, लेकिन उम्मीद कहीं नहीं है। उम्मीद हार चुके हैं आप लोग? हार चुके हैं, लास्ट एक महीना और बचा हुआ है। ये अगर अक्टूबर 2018 में निकला था ये बहाली, और ये फिर अक्टूबर आने वाला एक महीना पैनल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी अभी पैनल अभी बचे हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि सभी अति नियोजित हो जाए, लेकिन यही सरकार हम लोग की बात ही नहीं सुन रही है। कम से कम हम लोग भी तो एग्जाम देख, अनियोजित कार्यपालिका जी सबको तो एग्जाम देख ही हम लोग आए हुए हैं, सभी चीज़ें रिटेन हो टाइपिंग हो सभी कुछ पास करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आधा लोग की ज्वाइनिंग हो गई है, आधा लोग बचे, ये कहाँ की अति ना इंसाफी है ना है ये सब। हम लोग का मांग यही है कि सर हम लोग भी एक मतलब नियोजित कार्यपालक बनना चाहते हैं, कि हम लोग को भी एक ड्यूटी ज्वाइन करने की अवसर दिया जाए। तो ये सब जो अभ्यर्थी हैं ये सब अनियोजित कार्यपालिका से हैं, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को नियोजित कार्यपालिका बनना है। तो ये सब अनियोजित कार्यपालक के अभ्यर्थी हैं, ये सब जनता दरबार पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी है, उनको ये खुद कह रहे हैं कि अब उम्मीदें नहीं। हालांकि ये लोग का कहना है कि मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने जा रहे हैं, मगर ये लोग खुद कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्री जी क्या कुछ करेंगे। हालांकि इनकी उम्मीदें जो है ये कह रहे हैं कि ये खो चुके हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से शिक्षक दिवस था, ऐसे में पटना में जितने भी अभ्यर्थी हैं सब धरने पर बैठे थे, और आज एक बार फिर से अनियोजित कार्यपालक के जो अभ्यर्थी है जनता दरबार पहुँचे थे। हालांकि इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, ये कह रहे हैं कि ये लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं मगर इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। अब देखना है कि जनता दरबार में इन लोगों को कब बुलाया जाता है, कब मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी समस्याओं को सुना जाता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से